जमाल नासिर साहब मैं करना करना आप मुस्तफा कर दे रहे हैं आ रहा हूं मैं जाना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है मैं तीन लोग काम करता मीडिया तो उनका हक है हमारा तो काम है मीडिया को नहीं मीडिया की खतरा है आपको आपको कोई मीडिया से खतरा है कब छोटे ना भाई जान आप सिक्योरिटी देने आए क्या पीटीआई ने सिक्योरिटी मांगी आपसे क्या पीटीआई ने दफा दी को उन्हें सिक्योरिटी चाहिए हम उसी अत्तार के लौंडे से दवा नहीं मांगते बीमार हुए जिसके सबब उसी अत्तार के लौंडे से दवा मांगते हैं हमें सिक्योरिटी नहीं चाहिए अल्लाह सिक्योरिटी देने वाला है और फिर हम मेरे साथ लड़के हैं मेरे दोस्त और इनको इजाज़त दी खुवातीन को सबसे पहले इजाज़त दें आप मुझसे पहले भेजें खुवातीन जो जो मीडिया के हैं मीडिया की हैं ना ये जी जी वॉइस ऑफ अमेरिका से और भी आई हैं और भी आए खुवातीन उनका कोई कसूर नहीं है सबको आने दें मैं तो कोई वायलेशन नहीं होगी इंशाल्लाह जो मीडिया का कार्ड दिखाएगा वो जाएगा ठीक है डॉक्टर साहब इस वक्त डॉक्टर साहब इस वक्त अंदर तो कोई भी नहीं है पीटी सेंट्रल ऑफिस में आप जाएंगे फिर बाकी लोगों को बुलाएंगे मैं जाऊंगा फिर किसी को रोकने का जवाब नहीं रहेगा इसीलिए तो मैं आया हूं किसी को रोकने का जवाब दिस इज वन दूसरी चीज ये है कि ये जो सारे कहते हैं कि आप इलेक्शन कराएं ये तो उनकी तोहिन हो रही है मेरा तो शहर है मेरी कोई तोहिन नहीं होती या गंदे गटर हैं या महंगाई है या डाकू राज है पुलिस स्टेट है या नाजायज़ हुकूमत बैठी हुई है जिसका आईनी अरसा पूरा हो गया इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन इन बच्चों को क्यों इस्तेमाल करते हैं कौम के खिलाफ ये बड़ी अफसोसनाक बात है इनसे कोई एक भी विलिंग नहीं होता कि वो किसी शहरी का रास्ता रोके कौन है जिसने हुक्म दिया इसलिए आपका रास्ता रोकना ये आइन की तोहीन है इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि मेरे बारे में जो मर्जी कहें जो मर्जी बोले आप बोल ही नहीं रहे आप तो मुझे सुनने आए हैं देखने आए हैं रिपोर्टिंग करने आए कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन स्टिल अनदर कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन स्टॉपिंग मीडिया गैगिंग मीडिया स्टॉपिंग रिपोर्टर्स आस्क देम नॉट टू रिपोर्ट नॉट टू गो टू द पॉलिटिकल पार्टीज ऑफिस दैट इज टू मच ठीक प्राइम मिनिस्टर पीटीआई सेक्रेटेरिएट को इस वक्त यहाँ से सर इजलास तो वर्चुअल ही शुरू हो चुके हैं जनरल बॉडी का इजलास जो है वर्चुअल इजलास शुरू हो गया मैं भी जाऊंगा पता लगेगा उन्होंने रोका आधा घंटा ये मोबाइल किस में थोड़ा पीछे हो जाएगा आपको बताएं कि पीटीआई सेक्रेटेरिएट को पुलिस ने इस वक्त चारों इतराफ से घेरे में लिया हुआ है ये मनाजिर हैं पीटीआई सेक्रेटेरिएट के और इस वक्त जो पीटीआई के वकील हैं वो इस वक्त बाबर रवान यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने प्रेस टॉक की है मीडिया से गुफ्तगू करने के बाद बाबर रवान जो है वो पुलिस से इजाज़त लेने के बाद
अब ये पीटीआई सेक्रेटेरिएट के हदूद में दाखिल होते हुए देखे जा सकते हैं। और ये मनाजिर हैं इस वक्त इस्लामाबाद G8 पीटीआई सेक्रेटेरिएट के, आप ये देख सकते हैं पुलिस के दोनों एतराफ़, G8 सेक्रेटेरिएट के दोनों एतराफ़ जो है वो पुलिस की जो नाका बंदी है वो जारी है, इस जानब भी नाका लगाया गया है पुलिस की जानब से। और अब ये जो काफ़िला है ये सेक्रेटेरिएट के अंदर एक रिक्वेस्ट है, जरा प्लीज थोड़ा सा आपको मीडिया वाले ने प्लीज। ये क्या तरीका है भाई, हम रिपोर्टर से ये किसने कहीं छोड़ेंगे? बस आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा सा मैनेज कर लें। किसने रिक्वेस्ट किया, ऐसा रिक्वेस्ट किसने किया है? उन्होंने अपना मतलब निकालना था तो ये अब साफियों को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। ये कौन है यार, ये बंदा कौन है, इंस्ट्रक्शन वाले यार, ये तो ज्यादती की है। आप कौन है भाई, तू भाई आप है कौन, ये कौन सा तरीका है? ये पीटीआई वाले अपने बंदे अंदर लेके चले गए हैं। क्या बदतमीजी है यार, आप अपने कारकुनान अंदर लेके चले गए हैं, मीडिया वालों को आपने बुला के तो आपने जलील करवा दिए यहाँ पे, आपने मीडिया वालों को जलील करवा दिए यहाँ पे, आपने हमें क्या समझा क्या हुआ है? बाबर अवान साहब आप हमारे कंधे इस्तेमाल करके खुद तो इंटर हो गए, अभी आप पुलिस पे इल्जाम लगा रहे थे, खुद आने नहीं दे रहे। मीडिया का इस्तेमाल करके आप अंदर जा रहे हैं और हमें आप लोगों ने बाहर छोड़ दिया है, शेम ऑन यू। ये पीटीआई के कारकुन है, कारकुन आप कारकुन है? ये कोई इशू नहीं है, ये क्या तरीका है अपना बता देना आप। एक और सर, मैं मीडिया सेक्टर हूँ नॉर्थ पंजाब का और ये इंफॉर्मेशन सेक्टर है नॉर्थ पंजाब पीटीआई के। अच्छा ठीक है, हाँ आप समझ गए। आप क्यों तो आप सर नहीं अंदर क्यों नहीं है? रिपोर्टर्स ये भाई, रिपोर्टर्स ये सारे अंदर जाके कवर भी भाई, हम रिपोर्टर्स हैं, हम बाबर अवान, हम बीट रिपोर्टर हैं, कोई हम ठीक है वेट किया उनका, आपने कवरेज का सत्यानाश करके रख दिया, जारी किया मीडिया, हम तीन घंटे वेट किया लगे आप खड़े, उन्होंने हमें अलाउ नहीं किया, हमें भी अलाउ क्यों नहीं किया, अंदर आप लोग कभी नहीं गए हैं, आपने हमारे सर आपने हमारे सहारा लेके पकड़ाए अंदर, तो आप लोगों का कोई बंदा ही नहीं है, आप लोगों ने हमें इनवाइट किया है, आप लोगों ने हमें बुलाया है, हमारे साथ आप ये रवैया इख्तियार कर रहे हैं, शेम शेम पीटीआई शेम, आप लोगों के साथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। इंटरनेशनल मीडिया के जवान भी इस तरफ खड़े हैं, कवरेज जारी है। ये मनाजर हैं इस वक्त पीटीआई सेक्रेटेरिएट के, आपको बताएं इस वक्त पीटीआई सेक्रेटेरिएट के अंदर जो वकील हैं पीटीआई के बाबर अवान वो इस वक्त अंदर जा चुके हैं। हाँ उन्होंने सिर्फ उन्होंने खुद अंदर जाना था, सिर्फ उन्होंने मीडिया का कंधा इस्तेमाल करना था वो कर लिया। ये मनाजिर हैं इस वक्त इस्लामाबाद पीटीआई सेक्रेटेरिएट के और बाबर अवान जिन्होंने मीडिया टॉक की और मीडिया का सहारा लेने के बाद वो पुलिस चौकी क्रॉस करने में कामयाब रहे और पुलिस चौकी क्रॉस करने के बाद बाबर अवान जो है वो G8 सेक्रेटेरिएट जो है वो पीटीआई का उसमें दाखिल हो गए हैं। सहाफ़ियों को उन्होंने अपने साथ जो है वो अंदर इन्वाइट करना था, गुफ्तगू करनी थी, लेकिन जो है वो उन्होंने सहाफ़ियों को बाहर छोड़ के अंदर सेक्रेटेरिएट से जो है वो ताला लगा दिया और सहाफ़ियों को बाहर छोड़ दिया। उन्होंने नाका क्रॉस करना था, नाका उन्होंने क्रॉस कर लिया और जी
वो खुद अंदर चले गए और साफी जो है वो बाहर खड़े उन्हें देखते रह गए। अब जी ये मनाजिर हैं इस वक्त इस्लामाबाद G8 सेक्रेटेरिएट के, जो PTI का मरकजी ऑफिस है उसके बाहर के ये मनाजिर हैं। बाबर रहमान ने अब से कुछ देर पहले यहाँ से मीडिया से गुफ्तगू किया है, ये गुफ्तगू भी जो है वो आपके साथ लाइव शेयर कर रहे हैं। PTI सेक्रेटेरिएट को इस्लामाबाद पुलिस ने चारों तरफ से घेरे में ले रखा है।